Hello student, so our next topic in DCN is World Wide Web. So World Wide Web को हम WWW के नाम से भी जानते हैं, हम mostly इसको WWW use करते हैं. So आज के time में हम जितने भी लोग हैं, जितने भी हम लोग जो है मैक्सिमम लोग वो इंटरनेट पे हैं, हमारे जीमेल के अकाउंट्स हैं, हम लोग गूगल पे चीज़ें सर्च करते हैं, हम लोगों को ये पता है कि ग्लोब में क्या हो रहा है, हमें ये पता है यूएस में क्या हो रहा है, हमें ये पता है कि यूके में क्या हो रहा है, इवन हमें ये पता है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज के इंटरनल कंट्रीज हैं वहाँ पर क्या हो रहा है. सो ये हो क्यों रहा है, क्योंकि हम जो है टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में रह रहे हैं. और ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि हम एक तो टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में प्लस हमारे पास इंटरनेट है. ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं हमारे पास इंटरनेट है, या हम ये कह सकते हैं हमारे पास कनेक्टिविटी है, क्योंकि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अच्छे से कनेक्ट हुए हुए हैं. सो हमारे लिए जो एक ग्लोब है, जो पूरा हमारा ग्लोब है, अर्थ है, वो एक क्या हो चुकी है, वो एक हमारा पूरा घर हो चुकी है. ठीक है, सो हम किसी से भी कहीं तक भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है आपको एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होने के लिए सेम कंट्री में होना ज़रूरी है, आप अदर कंट्रीज के कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हैं. अदर कंट्रीज़ में क्या नया चल रहा है वो भी आपको यहाँ पे पता चलता रहता है. सो जो पूरा ग्लोब है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुका है. सो अब ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है, इसकी वजह से ये हो रहा है. अब ये मतलब क्या करता है, ये पूरा इंटरनेट के ऊपर चलता है. अब यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं, WWW और इंटरनेट. सॉरी, सो मोस्टली क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट जो है वो सेम चीज़ें हैं, बट नहीं, ये दोनों सेम नहीं है. इसके बारे में डिटेल में हम अभी आगे पढ़ेंगे, ये बिल्कुल एकदम डिफरेंट होती हैं. ओके, सो अभी इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि वेब क्या होता है. इसको हम वेब भी बोलते हैं, कई बार WWW के नाम से सिर्फ यूज करते हैं, या सिर्फ हम वर्ल्ड वाइड वेब भी बोल देते हैं. सो ये क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स होता है, मतलब कि बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं वो मिलकर के एक वर्ल्ड वाइड वेब बनाती हैं. अब ये वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेबसाइट जो भी हम खोलते हैं, लिंक खोलते हैं, हमारे पास आता है, किसी का भी एक पेज बना हुआ है, वो एक वेबसाइट है. ठीक है, www.google.com हो गया, facebook.com हो गया, या अदर जो भी कुछ है, वो सारी क्या है, एक वेबसाइट्स हैं. मतलब जैसे सपोज करो आपका कॉलेज है, उसकी एक वेबसाइट बनी हुई होगी, आपका कोई बिजनेस है, आप उसके लिए कोई वेबसाइट बना करके रखेंगे. ठीक है, जैसे कोई ब्लॉगर है, वो अपनी एक वेबसाइट बना के रखेगा, तो उसमें वो अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकता है. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि वेबसाइट्स में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है एक पर्टिकुलर चीज़ की. जैसे सपोज अगर हम कॉलेज का एग्जाम्पल लें, तो आपका कॉलेज जो है उसका अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, प्रोग्राम्स, अकेडमिक्स, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, फीस स्ट्रक्चर, वो सारी उसके अंदर आएंगी. अब ये सारा अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, ये सब क्या है, उसके अंदर पेजेस होते हैं जो एक दूसरे से लिंक होते हैं. ओके, तो ये जो पेजेस हैं इनको हम वेब पेजेस बोलते हैं, वेब पेजेस. ओके, सो ये जो वेब पेजेस होते हैं इनके अंदर हम कुछ भी टाइप का डेटा डाल सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो. ठीक है, पेजेस पे टेक्स्ट हो सकता है, कुछ इमेजेस हो सकती हैं, ऑडियोज हो सकते हैं, वीडियोज हो सकते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी उसमें हम मटेरियल जो है वो इंसर्ट करा सकते हैं, तो वो एक वेब पेज होता है. अब ये सारे वेब पेज जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जब उन वेब पेजेस को हम कंबाइन कर देते हैं तो वो एक वेबसाइट बन जाती है. अब ये सारी वेबसाइट्स जो हैं क्या होती है, वर्ड WWW पे काम करती हैं, और जो WWW है वो इंटरनेट के थ्रू काम करता है. अब हम क्या करते हैं, हम अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, हम अपने कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी सर्विसेज लेने के लिए. ओके, सो इसकी हिस्ट्री देखते हैं थोड़ा सा, कि जो टिमोथी बर्नर ली थे, इन्होंने 1989 में ये स्टार्ट किया था WWW जो है, और इनको फादर ऑफ वेब भी बोलते हैं. अब हम देखते हैं जो हमारा वेब है ये किन चीज कॉम्पोनेंट से मिलकर के बना होता है. सो सबसे पहले हमारे पास आता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको हम URL बोलते हैं. सो लोकेटर है मतलब कि आपको ये पता रहेगा कि जो आप लिंक खोल रहे हैं, मतलब कि वो किसी चीज़ का एड्रेस है, और वो उसका एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, वो पेजेस कहाँ पर है, सर्वर पे कहाँ है, वो लोकेट कराता है URL. देन हमारे पास आता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. अब जैसे कि हम एप्लीकेशन लेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया ये एप्लीकेशन लेयर पर है, और WWW हमारा जो है
क्रिएशन लेयर पर आता है. सो ये जो HTTP है ये प्रोटोकॉल है. कोई भी काम आप करते हैं उसको करने का एक तरीका होता है, ठीक है. तो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं कि किसी भी चीज को करने का कुछ तरीका होता है. तो जब आप वर्ड उस पे वेब पे काम कर रहे हैं तो आप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर जो कराते हैं, जो हाइपर टेक्स्ट है मतलब कि जो ब्राउजर और सर्वर है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें भी एक क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है. मतलब एक एक हम कहें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिनके थ्रू वो काम करता है, ठीक है. तो वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं वो आपके प्रोटोकॉल्स में आते हैं. देन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, अपने लोगों ने नाम कई बार सुना होगा. तो ये HTML क्या होता है, जो हम वेब पेजेस की बात कर रहे थे वो वेब पेजेस इस लैंग्वेज पे क्रिएट होते हैं. ओके, हम HTML यूज करते हैं वेब पेजेस बनाने के लिए, उनकी डिजाइन करने के लिए, उनका स्ट्रक्चर देने के लिए हम ये यूज करते हैं. अब एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे सपोज हमारे पास http://www.microsoft.com/@home/default.aspx. ओके, सो एक और चीज जो मेरे को यहाँ पे बतानी थी वो ये कि HTTP जो है, आप जब भी कोई वेब सर्च करेंगे, आप अपने ब्राउजर पे जाएंगे, ब्राउजर आप कोई भी यूज कर सकते हैं, चाहे आप क्रोम यूज कर रहे हैं, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर सकते हैं, आप मोजिला फायरफॉक्स यूज कर सकते हैं. तो जब भी आप कोई जो हमारे पास एड्रेस बार होता है, जो URL बार होता है, हम उसमें जब भी कोई एड्रेस डालते हैं, सपोज आपने google.com ही डाला है, ओके, तो आप डायरेक्ट google.com भी डालेंगे तो आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट उसमें http://www. आ जाता है, ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है क्योंकि वो उसका एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो देता है. अब अगर आपने नोटिस किया हो तो ये जो HTTP है, अब क्या होता है यहाँ पे HTTPS आता है, ओके, HTTPS लिखा हुआ होता है :// ऐसे करके आपका जो URL है वो स्टार्ट होता है. तो अब ये जो S है ये S सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है, ओके, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए अब आने लग गया है. सो ये क्या है हमारा HTTP, मतलब कि ये हम क्या करा रहे हैं, जो भी हमारा इंटरनेट सर्वर है वहां से हम एड्रेस ले रहे हैं. तो HTTP उसके लिए आगे सबसे पहले की वाले प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं, देन हमने www यूज किया है. सो ये क्या होता है, ये बताता है कि इंटरनेट पे अब आप एक पार्ट यूज कर रहे हैं, एक साइट का एक पार्ट है. देन ये जो हमारा पोर्शन है यहाँ पे microsoft.com हम कहें या हम ये कहें हम google.com यूज कर रहे हैं, तो ये जो .com वाली चीजें होती हैं ये हमारी डोमेन नेम होता है, ओके, जिस भी डोमेन के अंदर हम अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो भी कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करती है वो डोमेन नेम यहाँ पर आता है. देन उसके बाद स्लैश होके @home आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर पेज को आप यूज कर रहे हो इस टाइम पे, मतलब जो आपका वेब पेज है उसका ये स्पेसिफिक आप होम पेज पर हैं अभी, ठीक है. तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन देता है. जैसे ही आप चेक करेंगे, सपोज आप कोई कॉलेज का आपने अपना खोल के वो रखा है, आपने अपना कॉलेज का जो वेबसाइट है वो आपने डाला, तो उसके बाद पहले आएगा सिर्फ नॉर्मल आपके कॉलेज का नाम .com. देन उसके बाद अगर आप होम पे क्लिक करते हैं तो वो /home करके आ जाता है, या आप कॉन्टेक्ट अस करते हैं तो /contactus, ऐसे करके वो जो URL है वो बार बार चेंज होता रहता है क्योंकि वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताता रहता है कि वो कहाँ पर है. देन अब इसमें अगर हम देखें कि क्या ऑपरेशंस आते हैं या ये कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग क्या है, तो ये भी जो है आपका www ये भी क्लाइंट सर्वर अप्रोच पे ही काम करता है, ओके. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना URL डालते हैं. लेट से हमने www.com डाला, ओके, तो ये क्या हो गया, ये हमारे वेब पेज का एड्रेस हो गया, जो कि हम अपना जो ब्राउजर यूज करते हैं, जैसे सपोज हम क्रोम यूज कर रहे हैं या हम मोज़िला फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं, तो उसके URL पोर्शन में जाके हम क्या करेंगे, हमने अपना एड्रेस डाल दिया है. देन उसके बाद अब ये जो डोमेन नेम है, ये डोमेन नेम क्या करता है कि ये सब ब्राउजर को अलाउ करता है कि वो अब IP एड्रेस, जो उसका google.com का IP एड्रेस है, उसको रिक्वेस्ट भेजता है. देन जैसे ही आपको वो IP एड्रेस रिसीव हो जाता है, तो वो IP एड्रेस रिसीव होने के बाद क्या होता है, जो ब्राउजर है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है कि आपने किस पेज की रिक्वेस्ट जो है वो मांगी की है,
आपने यहाँ पे google.com की रिक्वेस्ट की है, तो अब डोमेन नेम के बाद वो क्या होता है, अब उस पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो जो सर्वर होता है अब सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर को जैसे ही वो वेब पेज मिलेगा वो वापस क्या करेगा, ब्राउजर को दे देगा और ब्राउजर उसे आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देगा। ओके, सो इस तरीके से इसकी मतलब ऑपरेशन होते हैं। देन वर्किंग कैसे चलती है, एक बार ये छोटा सा डायग्राम देखते हैं। वेब ब्राउजर है, मतलब आपने सपोज क्रोम खोला हुआ है, ओके सो आप क्रोम पे काम करने हैं, आपने क्या करा google.com डाला, तो ये क्या करेगा, वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजेगा वेब सर्वर के पास में, जैसे ही वेब सर्वर को आपका वेब पेज मिलेगा वो आपके वेब ब्राउजर को दे देगा और फिर वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसको और एक थोड़ा सा एग्जाम्पल अच्छे से डिटेल में डायग्राम के साथ देखते हैं कि हमारे जो क्लाइंट है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था क्लाइंट क्या होते हैं, कोई भी जो लोकल मशीन होती है, कोई भी लोकल आपका जो कंप्यूटर आप यूज कर रहे हो, चाहे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, आपका पीसी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ये सब क्या है, आपके क्लाइंट हो गए। अब आपने क्या किया, जैसे ही आपने अपनी जो वेब पेज आप खोलना चाहते हो उसकी आपने रिक्वेस्ट भेजी, आपने HTTP रिक्वेस्ट भेजी, ओके अब वो HTTP रिक्वेस्ट क्या हुई, इंटरनेट के पास जाएगी। ओके, वो इंटरनेट के पास क्या जाए, पास जाने के बाद क्या करेगी, ब्राउज जो आपका वेब सर्वर है उसको रिक्वेस्ट सेंड करेगी। अब ये रिक्वेस्ट यहाँ पर सेंड होने के बाद इसको देखते हैं, आपने क्या किया, रिक्वेस्ट सेंड कर दी यहाँ से, आपने यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर दिया है। ओके, उसके बाद इंटरनेट इसको लेगा, इंटरनेट उसको चेक करेगा और वेब सर्वर के पास भेजेगा। अब ये वेब सर्वर क्या करेगा, इसके पास तो सारी चीजें क्या होती हैं, अपने डेटाबेस में स्टोर होती हैं, ठीक है। तो अब ये जो डेटाबेस है पूरा ग्लोबली जिसमें सारा डेटा स्टोर होता है, ये उस वेब पेज को लेगा और आपको दे देगा सर्च करने के बाद। देन वेब ब्राउजर क्या करेगा, सॉरी सर्वर क्या करेगा, इंटरनेट को वो देगा, रिस्पॉन्ड बैक करेगा और ये रिस्पॉन्ड बैक करेगा आपको आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ओके, तो जो भी आपने ब्राउजर खोला हुआ है उस टाइम पे, वहां पे स्क्रीन पे आपके वो पेज आ जाएगा जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट किया था। देन इसके बाद हम देखते हैं कि HTML क्या होता है, हम बार बार HTML, HTTP, वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं, सो HTML क्या होता है, HTML जो है एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, ओके, जिससे कि हम वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। अब वेब पेजेस क्रिएट करना है मतलब कि हमें एक स्ट्रक्चर देना पड़ेगा वेब पेज को, है ना, उसमें हम कुछ एलिमेंट्स यूज करेंगे, कुछ टैग्स हम यूज करेंगे, हम उसमें हेडिंग दे सकते हैं, पैराग्राफ दे सकते हैं, टेबल्स दे सकते हैं, इमेजेस लगा सकते हैं, साउंड्स दे सकते हैं, ओके सो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, HTML पे यूज करते हैं। और HTML यूज करने के लिए हमें कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड करना होता है, HTML के लिए हमें सिर्फ जो हमारा नोटपैड होता है, ओके हर लैपटॉप में आपको कंप्यूटर में नोटपैड मिलता है, तो नोटपैड पे जाके आपको क्या करना है, आप अपना HTML का कोड लिखेंगे, जो भी आपको वेब पेज बनाना है उसका आप वहाँ पे कोडिंग कर देंगे, देन उसको नॉर्मल जब हम नोटपैड में बनाते हैं तो वो जो एक्सटेंशन होता है नोटपैड का वो हम HTML के टाइम पे चेंज कर देते हैं, हम उसको .html करके सेव करेंगे तो वो आपका एक वेब पेज क्रिएट हो जाता है, ओके और नॉर्मल अगर हम उसको नोटपैड में सेव करना चाहते हैं नोट्स की तरह, तो हम उसको नॉर्मल सेव करते हैं, देन उसका जो एक्सटेंशन रहता है वो अनटाइटल्ड रहता है, बट उसको आप चेंज करके HTML कर देंगे तो वो आपका वेब पेज बन जाएगा। देन हमारे पास आता है वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर क्या होते हैं, वेब ब्राउजर आपके ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं, क्रोम हो गया, सफारी हो गया, देन यूसी ब्राउजर है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सो ये सब क्या है, ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपको डिस्प्ले कराते हैं, ओके जो भी नेट पे आपको सर्च करना है तो इन सब में आपके पास ऑप्शन आता है कि आप अपना जिस पेज पे जाना चाहते हैं, जिस चीज के बारे में आप सर्च करना चाहते हैं, गूगल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको URL एक एड्रेस बार मिलता है, वहां पे जाके आप क्या करेंगे, अपना जो भी आपको क्वेरी है वो आप वहाँ पे एंटर करा देंगे, जो आपको लिंक वो ये URL का स्पेस दिया हुआ होता है वहाँ पे आप जाके अपना वेबसाइट का पेज डाल देंगे, और उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको क्या होता है, अपना जो डेटा है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होने लगता है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम यूज करते हैं ब्राउजर में,
इसके बाद हमारे पास आता है HTTP। नाउ HTTP क्या होता है, ये एप्लीकेशन लेयर का पार्ट होती है जो कि आपको ये वर्ल्ड वाइड वेब पे वर्क कराने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, जब आप HTTP यूज कर पाएंगे तभी आप कुछ भी जो है वेब से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी यूजर क्लाइंट मॉडल पे ही बेस्ड होता है। सो इसमें क्या होता है, HTTP क्लाइंट है, वो अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेगा HTTP सर्वर को, देन HTTP सर्वर क्या रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड बैक करेगा। सो मोस्टली जितने भी क्लाइंट सर्वर वाले बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, और वो सब इसी मेथड पे काम करते हैं कि पहले रिक्वेस्ट आएगा देन उसके बाद रिस्पॉन्ड बैक होगा। ओके, देन हमारे पास कुछ फीचर्स आ जाते हैं कि HTTP हमें क्या प्रोवाइड करा रहा, WWW हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं। कुछ फीचर्स आते हैं, सो एक तो ये है कि ये सपोर्ट करता है TCP/IP सर्विस को। TCP/IP हमारी क्या होती है, हमारे पास हमने दो मॉडल्स पढ़े हुए हैं, OSI लेयर, OSI मॉडल और TCP मॉडल, तो ये उसको सपोर्ट करता है। और जो टॉप मोस्ट लेयर होती है हमारी लेयर मॉडल्स की, एप्लीकेशन लेयर, वहाँ पे ये वर्क करता है। तो हम यहाँ से फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, गोफर कर सकते हैं, और इन एडिशन हम उसको HTTP यूज करते हैं। देन ये आपका एक सर्च टूल होता है। सर्च टूल है क्यों, क्योंकि जब आप ये कुछ भी सर्च करते हैं इंटरनेट पे, जब आप कुछ भी सर्च करते हैं तो उस हर वेब पेज में या जो भी आप सर्च कर रहे हैं, आपका जो डेटा आ रहा है उसके आगे WWW मस्ट लगा हुआ होता है, क्योंकि वो ओवर द इंटरनेट आपके डेटा को सर्च कर रहा है इस वेब सर्वर से, और वेब सर्वर जो है आपका डेटाबेस से लेकर के वो आपको वहां से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके आपको देता है। तो ये एक सर्च टूल की तरह यूज में आता है। ओके, देन आप इसमें हर मतलब जो आपके फ्रेंड्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं तो उनके साथ आप ग्लोबली टच में रह सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है आप सेम कंट्री में हो, सेम सिटी में हो। ओके, आप किसी के साथ भी कैसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो इंटरनेट की वजह से एक ये बहुत ईजी हो गया, और जब हम इंटरनेट हमें यूज करना होता है तो हम वर्ल्ड वाइड वेब की हेल्प से ही यूज कर पाते हैं। ओके, देन मैंने सब स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इंटरनेट और WWW जो है उसमें डिफरेंस होता है, दोनों चीजें सेम नहीं होती हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल को क्या लगता है कि ये दोनों चीजें सेम है, बट नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ा जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि जो आपका इंटरनेट होता है, इंटरनेट आपका नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। ओके, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क मतलब कि एक नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क बोलते हैं हम जब कुछ डिफरेंट नोड्स, मोर देन वन नोड्स जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं। ओके, जैसे हम कहें कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है तो वो क्या होगा, वो एक नेटवर्क बन गया है। ठीक है, या आप लैपटॉप ले लो, टैबलेट्स ले लो, मोबाइल फोन ले लो, जब वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, या आप अपने कंप्यूटर को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो एक नेटवर्क बन जाता है। तो उसी तरह से जब बहुत सारे नेटवर्क्स कनेक्ट होते हैं वो आपका इंटरनेट होता है। ओके, और आपका जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये क्या है, ये इंटरनेट के ऊपर वर्क करता है। इसके पास कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो कि हम इंटरनेट पे एक्सेस कर पाते हैं, मतलब इंटरनेट के थ्रू हम वर्ल्ड वाइड वेब से अपनी इंफॉर्मेशन ले पाते हैं। हम डायग्राम देखते हैं इसका, इंटरनेट में क्या है कि जब आप कनेक्ट करते हो बहुत सारे कंप्यूटर्स को, तो जब हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं तो वो इंटरनेट होता है, और इस इंटरनेट को यूज करके जब हम पीपल यूजर्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं तो वो WWW में आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्ल्ड वाइड वेब। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। This is all about World Wide Web. Thank you.